नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं पीआर टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं द ब्रांड न्यू टाटा हैरियर BS6 वेरिएंट में आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं ये सब कुछ दिखाने वाला हूं। उसके साथ इंटीरियर एक्सटीरियर कंप्लीट रिव्यू मैं आपको दिखाने वाला हूं एंड लास्ट में जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप हमारे चैनल में नया हो तो नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ यानी पीआर टेक के साथ। तो दोस्तों ये रहे व्हीकल के केस मेरे हाथ में है और ये रहा सामने आप कार देख सकते हैं जिसका नाम है टाटा हैरियर। टॉप एंड वेरिएंट में आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों एंड इसका प्राइस डिटेल्स जो है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। स्पेशल थैंक्स टू श्री वेंकटेश्वर टाटा मोटर्स जो व्हीकल को प्रोवाइड किया है। एंड अब बात करते हैं व्हीकल के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। काफी अट्रैक्टिव प्रोफाइल यहाँ पर आपको मिलता है। मेनली फ्रंट प्रोफाइल को देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव लुक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेंटर में आपको टाटा का लोगो एंड स्टाइलिश ग्रिल यहाँ पर आपको मिलता है। एंड व्हीकल के DRLs जो है दो आंखों जैसा आपको मिलते हैं दोस्तों। एंड हेडलाइट जो है बम्पर लेवल में आपको मिलते हैं। और नीचे आपको सेंटर में नंबर प्लेट का सेक्शन, सेकेंडरी ग्रिल, कंप्लीटली नीचे आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। ओवरऑल व्हीकल का फ्रंट प्रोफाइल जो है काफी अट्रैक्टिव एंड काफी अग्रेसिव स्पोर्टी लुक यहाँ पर आपको मिलता है। तो चलिए बात करते हैं लाइटिंग सिस्टम के बारे में। इस व्हीकल में आपको ड्यूअल फंक्शन DRLs यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों। इंडिकेटर फंक्शन भी यही है, रेगुलर DRL फंक्शन भी यही है। एंड नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं एंड फॉग लैंप्स भी काफी बढ़िया है। ओवरऑल व्हीकल का फ्रंट लाइटिंग सिस्टम जो है काफी ब्राइटर एंड काफी बढ़िया से दमदार परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर आपको मिलता है। ये रहा फ्रंट लाइटिंग सिस्टम के बारे में। उसी के साथ बैक की तरफ भी आपको LED टेल लैंप्स एंड स्टाइलिश लुकिंग के साथ लाइट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। ओवरऑल लाइटिंग सिस्टम जो है काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं टायर्स के बारे में। इस व्हीकल में आपको 17 इंचेस ट्यूबलेस टायर्स विद डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको मिलते हैं दोस्तों। फ्रंट की तरफ आपको डिस्क ब्रेक सिस्टम, बैक की तरफ आपको ड्रम ब्रेक सिस्टम। ये रहा टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। साइड प्रोफाइल को एक्सप्लोर करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल विद इंडिकेटर फंक्शन के साथ साइड मिरर्स आपको मिलते हैं। क्रोम फिनिश का हाइलाइटिंग भी काफी बढ़िया है एंड यहाँ पर आपको जो है हैरियर का बैचिंग भी आप देख सकते हैं। कंप्लीटली ऊपर रूफ के ऊपर देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना यहाँ पर आपको मिलता है। तो अब बात करते हैं कंप्लीटली बैक प्रोफाइल के बारे में। इस तरह का लुक यहाँ पर आपको मिलता है, लैंड रोवर का लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ऊपर जो है शार्क फिन एंटीना एंड हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एनिमल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये साइन है। एंड उसके साथ रेयर वाइपर आपको मिलता है एंड सेंटर में टाटा का ब्रांडिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड उसी के साथ काफी अट्रैक्टिव लैंड रोवर का डिजाइन यहाँ पर आपको मिलता है। नंबर प्लेट का सेक्शन, रेयर पार्किंग कैमरा एंड उसी के साथ हैरियर का बैचिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बंपर के ऊपर पार्किंग सेंसर्स एंड रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं एंड फेक एग्जॉस्ट यहाँ पर आपको देख सकते हैं लुक बढ़ाने के लिए। एंड इस तरह का बंपर का लुक यहाँ पर आपको मिलता है। एंड अब बात करते हैं व्हीकल के बूट के बारे में। इस व्हीकल में आपको 425 लीटर्स का बूट कैपेसिटी यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों। काफी बढ़िया सा बूट है एंड लेफ्ट साइड में आपको सबवूफर भी आपको मिलता है, JBL का सबवूफर है दोस्तों। सीट्स को फोल्ड करेंगे तो 810 लीटर तक इंक्रीज कर सकते हैं एंड नीचे यहाँ पर जो है टूल्स एक्सेसरीज रखने के लिए सामान के लिए दो कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप टायर को स्टोर कर सकते हैं, आगे वाले कंपार्टमेंट में टूल्स स्टोर कर सकते हैं। ये रहा बूट के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं व्हीकल के डायमेंशंस के बारे में। ये व्हीकल जो है 6.3 फीट विड्थ है, 5.7 फीट हाइट है, 15.1 फीट लेंथ है। उसके साथ कर्वेज जो है 1675 केजी से, ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो चलिए बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के बारे में। 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑफ रोड ABS, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड इसके काफी सारे फीचर्स आपको स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ये रहे सेफ्टी प्रोग्राम्स के बारे में। उसके साथ अब बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों। एवरेज इकोनॉमी 17 KMPL आपको मिलता है, सिर्फ डीजल में ही आता है। तो ये रहा फ्यूल इकोनॉमी के बारे में। एंड उसी के साथ यहाँ पर आपको रेयर डोर यहाँ पर आपको ओपन करेंगे तो इस तरह का लुक यहाँ पर आपको मिलता है। नीचे आपको स्पीकर ग्रिल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फोन होल्डर भी आपको मिलता है जिसे आप इस तरह फोन रख सकते हैं, 1 लीटर का वाटर बॉटल भी स्टोर कर सकते हैं, राइट हैंड की तरफ आर्मरेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको हैंडल बार, पावर विंडो का की एंड क्रोम फिनिश के साथ आपको डोर अनलॉकिंग करने के लिए लीवर, यहाँ पर आपको JBL का ट्विटर। तो दोस्तों ये रहे डोर के ऊपर फीचर्स। अंदर जो है सिग्नेचर ओक ब्राउन का इंटीरियर यहाँ पर आपको मिलता है, लेदर इंटीरियर है दोस्तों। दोनों कॉर्नर्स में आपको AC वेंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं इस तरह। एंड उसी के साथ सेंटर
अगर मैं आपको आर्म रेस्ट ओपन करेंगे तो दो जनों जो है लग्जरी के साथ अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्लोज करेंगे तो कंफर्टेबली तीन जनों बैठ सकते हैं। लेदर जो है काफी आरामदायक है, यहाँ पर आप सीट्स देख सकते हैं, काफी आरामदायक सीट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रहा अंदर का कैबिन स्पेस भी काफी बढ़िया है, लेग स्पेस काफी बढ़िया है, नी रूम अंडर थाई सपोर्ट ये सब कुछ बढ़िया है, ऊपर आपको पैनारोमिक सनरूफ भी आपको मिलता है। तो चलिए ड्राइवर साइड डोर को ओपन करके देखते हैं, इस तरह का लुक यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों। नीचे आपको स्पीकर ग्रिल यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड उसके साथ 1 लीटर बॉटल स्टोर कर सकते हैं और कुछ सामान भी रख सकते हैं। एंड राइट की तरफ आपको आर्मरेस्ट का लुक यहाँ पर आपको मिलता है, नीचे इमरजेंसी का लाइट भी यहाँ पर आपको मिलता है। एंड इस व्हीकल का टायर प्रेशर डिटेल जो है साइड में देख सकते हैं। एंड 6-way एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, पावर सीट यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, ओनली ड्राइवर सीट के लिए ही। एंड उसी के साथ ड्राइवर साइड के राइट की तरफ आपको पुश इग्निशन बटन एसी वेंट यहाँ पर आपको मिलता है। इस व्हीकल में काफी कंफर्ट यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबर सपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिससे आपको बैक पेन हो तो भी आप व्हीकल को अच्छी तरह कंफर्टली आप चला सकते हैं। एंड ये रहा मैं व्हीकल के अंदर बैठ चुका हूँ, व्हीकल के कीस मेरे हाथ में है। एंड ये रहा सामने 3 स्पोक का इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल्स, राइट साइड में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, सेंटर में टाटा का लोगो, ए बैक का इंस्ट्रक्शन एंड लेफ्ट साइड में जो है आपको वाइपर कंट्रोल्स, राइट साइड में जो है एंड यहाँ पर आपको हेडलाइट कंट्रोल्स। तो चलिए इग्निशन को स्टार्ट करते हैं। एंड इस व्हीकल में आपको 7 इंचेस का कलर TFT डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोस्तों, ड्यूअल ट्रिप मीटर, टॉर्क इंडिकेटर, यहाँ पर साइड में आपको फीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये रहा स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड इस व्हीकल का इंफोटेनमेंट सिस्टम का नाम जो है फ्लोटिंग आइलैंड है दोस्तों, 8.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आपको मिलता है। एंड उसी के साथ 9 स्पीकर का JBL स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम आप देख सकते हैं। एंड इस इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, USB ऑक्स, FM रेडियो ये सब कुछ सपोर्ट करता है दोस्तों, स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एंड इसको कंट्रोल करने के लिए नीचे फिजिकल बटन्स भी आपको मिलते हैं, 2 AC vents एंड यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मोड एंड इको मोड या का फीचर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर जो है फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस AC यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये रहा AC के बारे में। एंड यहाँ पर आपको मोड चेंजर, 6-speed ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन का बॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, 8-throttle डिजाइन के साथ यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक का लुक यहाँ पर आपको मिलता है, जैसे कि इस तरह लगा सकते हैं। एंड ये रहा हैंड ब्रेक एंगेज हो गया है, 2 कप होल्डर्स, आर्म रेस्ट के नीचे भी आपको स्पेस मिलता है, 12 वॉट्स का चार्जिंग सॉकेट भी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है सिग्नेचर ओक ब्राउन का डैशबोर्ड का लुक यहाँ पर आपको मिलता है, काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग डैशबोर्ड इस व्हीकल में आप देख सकते हैं। एंड उसी के साथ रेयर व्यू मिरर जो है ऑटो डिमिंग फीचर्स के साथ आपको मिलता है, ऊपर सनरूफ ओपन करने के लिए 3 बटन्स है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आपको वेनिटी मिरर विद लाइट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, एयरबैग इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं, ड्राइवर साइड के लिए आपको कोई भी वेनिटी मिरर नहीं मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं सनरूफ के बारे में, कंप्लीटली पैनारोमिक सनरूफ है दोस्तों, तो इस तरह ओपन होता है, काफ़ी बढ़िया सा वेंटिलेशन आपको इस व्हीकल में मिलता है। एंड आउटसाइड का लुक भी यहाँ पर आपको नीचे स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का काफ़ी कमाल का पैनारोमिक सनरूफ आपको इस व्हीकल में मिलता है, काफ़ी सेलिंग फीचर भी यही है दोस्तों इस व्हीकल का, एंड इम्प्रूवमेंट भी यही है। तो ये रहा इंटीरियर लुक्स के बारे में, तो चलिए अब बात करते हैं इंजन के बारे में दोस्तों। इस व्हीकल में आपको 1956 इंजन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपको मिलता है, 167 हॉर्स पावर है, 350 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट कर सकते हैं, क्रायोटेक 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है दोस्तों, 6-speed ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है। तो चलिए इंजन का आवाज़ किस तरह होता है चलिए सुनते हैं। एंड इस व्हीकल में आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक यहाँ पर आपको मिलता है, 17 का एवरेज माइलेज यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये रहा कंप्लीटली रिव्यू, अब बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट ड्राइव मोड्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं व्हीकल के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। व्हीकल को शुरू करने से पहले सेफ्टी फर्स्ट, सीट बेल्ट लगाते हैं। रहा मैं सीट बेल्ट तो लगा चुका हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं व्हीकल के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। इस व्हीकल में जो है मेनली आपको 3 मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स, इको, सिटी एंड उन बाकी को छोड़ के भी आपको और 3 मोड्स मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ डेमो। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड चेंजर व्हील, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वेट, रफ एंड सिटी यहाँ पर आपको मिलते हैं, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड एंड इन मोड्स को भी छोड़ के यहाँ पर आपको जो है इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड का बटन यहाँ पर आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों ये मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल में आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलिए व्हीकल को शुरू करते हैं एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। एंड उसके साथ इस व्हीकल में आपको पावर सीट दिया गया है, जिससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है एंड यहाँ पर आपको इस व्हील को यूज़ करके आप सीट का जो है कंफर्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए व्हीकल को शुरू करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट गियर एंड इस व्हीकल में आप मैनुअल ट्रांसमिशन चलाते हो तो फर्स्ट एंड सेकंड गियर में क्लच जो है थोड़ा बहुत डेलिकेट रहता है दोस्तों, जिससे जो है आप सिटी ड्राइविंग्स में ट्रैफिक में फंसा हुआ तो आपको जो है थोड़ा बहुत
या आदत लगाना पड़ता है, ये कमी है। तो दोस्तों इस व्हीकल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, एंड उसी के साथ कैबिन के अंदर कम आवाज़ सुनाई देता है, बोले तो आपको इंजन आवाज़ नहीं सुनाई देता है, बाहर का शोर शराबा ये सब कुछ क्वाइट आपको रहता है दोस्तों अपना कैबिन जो है, एंड बढ़िया सा विंड स्क्रीन के साथ आपको व्यू मिलता है। एंड अब बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड के बारे में, तो ये रहा स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो इस तरह का कमांड आने के बाद ये मेनली स्पोर्ट्स मोड में जो है अपना गाड़ी जो है लिटरली भागने लगता है दोस्तों, सारा पावर जो है आपके स्टीयरिंग के हाथ में आ जाता है, जैसे कि इस तरह आप ले सकते हैं, काफ़ी फास्ट आप जो है अपना स्पोर्ट्स ड्राइव में व्हीकल को एंजॉय कर सकते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पर इको मोड में डालेंगे तो मैं एक मिनट में व्हीकल को टर्न करके मैं आपको बताता हूँ, एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहाँ पर आप व्यू आप देख सकते हैं, इस तरह का लाइव स्टीयरिंग एक्सिस यहाँ पर आपको मिलता है, एंड सारे पार्किंग सेंसर्स भी आप नोटिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये व्हीकल जो है इजीली कट हो जाता है दोस्तों, ये मेनली लैंड रोवर प्लेटफॉर्म पे ऊपर बना हुआ है, जिससे जो है आप टर्निंग्स लेते हो तो रिवर्स लेंगे तो ये आपको रेगुलर कार की जैसा आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एंड दिखने में जो है काफ़ी बड़ा दिखता है। तो दोस्तों तो चलिए इको मोड में डाल के देखते हैं, इसमें जो है अपना व्हीकल जो है फ्यूल एफिशिएंसी व्हीकल जैसा बन जाता है, जिससे आपको बढ़िया सा माइलेज यहाँ पर आपको मिलता है। तो दोस्तों ये रहा इस ड्राइविंग मोड के बारे में, एंड इस व्हीकल के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा सा वुड ट्रिम यहाँ पर आपको मिलता है, एंड बढ़िया सा स्क्रीन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल म्यूजिक सिस्टम जो है JBL का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है, जिससे जो है बेस एंड क्वालिटी जो है एकदम टॉप नॉच यहाँ पर आपको मिलता है। तो दोस्तों ये रहा व्हीकल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड मोड्स के बारे में, एंड व्हीकल चलाते समय आप सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम को जो है डैशबोर्ड को जो है इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई बटन इतना दूर इस तरह कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ जो है आप अपने रेगुलर कंफर्ट जोन से अब एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इस व्हीकल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस एकदम परफेक्ट है दोस्तों, एंड ऊपर आपको पैनारोमिक सनरूफ के वजह से आपको बढ़िया सा वेंटिलेशन यहाँ पर आपको मिलता है। तो दोस्तों ये रहा इस व्हीकल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में, काफ़ी बढ़िया सा प्रीमियम फील यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, एंड इस ड्राइविंग मोड्स को यूज़ करके आप अच्छी तरह अपना ड्राइविंग जो है एनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा टाटा हैरियर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये रहा टाटा हैरियर BS6 वेरिएंट का कंप्लीट रिव्यू, एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, काफ़ी कमाल का कार है दोस्तों, एंटरटेनमेंट जो है काफ़ी बढ़िया होता है इस कार में जो है, एंड आप भी ड्राइविंग करते समय जरूर सीट बेल्ट पहनिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर ऑटोमोबाइल रिव्यूज़ के लिए। तो दोस्तों हमारा चैनल स्टार्ट होके आज से 3 साल हो गए हैं दोस्तों, इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको दूसरे ऑटोमोबाइल वीडियो में, तब तक मैं हूँ आपका PR Tech साइनिंग आउट।